कुछ देर पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें बताया था कि आज जूनियर असिस्टेंट पद के लिए एग्जाम जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिए गए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आने की वजह से कुछ सेंटर्स में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकते। एस्पिरेंट्स ने हो हल्ला किया, शोर मचाया, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और आखिरकार अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया है कि करीब 2 सेंटर्स में इस तरह की फॉल्ट जो है वो आए हैं, एक वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल और दूसरा जो छन्नी हिम्मत, जहां पर काफी एस्पिरेंट्स ने हो हल्ला किया, जम्मू स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इन दोनों जगहों पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाया जूनियर असिस्टेंट पद के लिए और अब इनका फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा और फ्रेश डेट जो है वो जल्द ही नोटिफाई जो है वो की जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट है जो एस्पिरेंट्स अभी तक शोर ये कर रहे थे कि काफी उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है। और कुछ सेंटर्स में आपको बता दें कि सुबह हुआ क्या था कि जम्मू स्किल डेवलपमेंट में आज सुबह करीब 10 बजे एग्जाम होना था और 10 से लेकर 11 बजे तक उनकी जो चेकिंग है वो की जानी थी और 11 बजे एग्जाम शुरू होना था, लेकिन एस्पिरेंट्स के आरोपों के मुताबिक करीब 10:30 बजे तक जम्मू जो स्किल डेवलपमेंट है उसके द्वार ही नहीं खोले गए और अफरा तफरी में जब 10:45 बजे ये सेंटर खुला, उसके बाद जो सेंटर के अधिकारी थे उनके पास इतना समय नहीं था कि वो उनकी जो बायोमेट्रिक चेक है वो भी कर पाए। इसमें अफरा तफरी में सभी एस्पिरेंट्स को रूम के अंदर बिठा दिया गया और उसके बाद जब सिस्टम ऑन किए गए तो वो सिस्टम जो है वो क्रैश कर गए, जिस वजह से आधे बच्चों के एग्जाम जो है वो होना शुरू हो गए और आधे बच्चे जो है वहां पर अपनी सीट तलाशते ही रहे। इस बीच शोर शराबे के बीच में पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया और इन 2 सेंटर्स के बीच में एग्जामिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बच्चों ने आरोप लगाया कि इस तरह की संवेदनशील जगहों पर डिपार्टमेंट को पहले से इन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए और खासतौर से इस तरह के आरोप भी लगाए गए कि जम्मू स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कुछ बच्चों द्वारा मोबाइल्स और कुछ जो हैंडसेट थे वो भी अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इस तरह के आरोप के बाद अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इन चीज़ों पर भी यदि ध्यान दे तो वो उचित है, लेकिन फिलहाल एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर है कि उनके एग्जामिनेशन के लिए फिर से जो डेट है उसे रीशेड्यूल कर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो जल्द ही सूचित करेगी कि उनका अब अगला एग्जामिनेशन अब कब होगा। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं वी स्टूडेंट न्यूज़ के साथ।